आपकी जो बाउंड्री वॉल होती है उसकी चारों तरफ 3 फीट हाइट के ऊपर ये फेंस लगाई जाती है। किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अनसिक्योर फील होता है तो आप इस वायर को अगर अपने घर पे लगाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आपको घर में बाकी एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं बहरिया टाउन कराची में मौजूद हूँ और आज इस वीडियो में आप तमाम दोस्तों के साथ एक सिक्योरिटी सिस्टम शेयर करूँगा जो हर घर की इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि कराची के अंदर वारदात के इश्यूज इतने बढ़ चुके हैं तो हर किसी का घर जो है वो इस वक्त सेफ नहीं है। इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फैंस के मुकम्मल डिटेल शेयर करूँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि आप ये तमाम इलेक्ट्रिक फैंस किस तरीके से लगवा सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी इक्विपमेंट इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा ये लगाई कहाँ पर जाती है। थोड़ा सा मैं ये आप लोगों को ज़रूर बता दूँ, देखिए इलेक्ट्रिक फैंस जो है ये आपके घर के चारों कोनों पर लगाया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग स्टील वायर्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिक छोड़ा जाता है। ये टोटल जो इलेक्ट्रिक है ये डीसी इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है जो 12,000 वोल्ट का इसके अंदर करंट मौजूद होता है। लेकिन एक बार दोबारा मैं हाईलाइट कर दूं, ये डीसी सिस्टम होता है, तकरीबन 30 वोल्ट्स के ऊपर ये ऑपरेट किया जा रहा होता है, जिसके ज़रिए आप महीने की अगर मैं इसकी बिल की बात करूं तो तकरीबन 100 से 200 रुपये तक का बिल जो है वो कंज्यूम होता है। तो चलकर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फैंस किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, इसके अंदर सिस्टम कौन कौन से मौजूद हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस तरीके से अपने घर को सेफ किया जा सकता है, वो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। मुझे थोड़ा सा ये बता दें आप कि आपकी जो इलेक्ट्रिक वाइंस है इससे किस तरीके से अपने घर को जो है लोग सिक्योर कर सकते हैं। इसको आप नॉर्मल घर से बहुत ज़्यादा सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो बाउंड्री वॉल होती है उसकी चारों तरफ 3 फीट हाइट के ऊपर ये फेंस लगाई जाती है, जिसके जो वोल्टेज हैं वो 12,000 वोल्टेज इसके होते हैं कि कोई भी बंदा इसके करीब आने से डरता है। और कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई जानने वाला नहीं है आपका या कोई भी इवन गेस्ट भी आ जाता है तो वो उससे अलर्ट रहता है, गेट के करीब नहीं आता, तो आप बहुत सारी परेशानियों से इस चीज़ से बच सकते हो आप लोग। सर, इसको कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका कि आपके घर में इसका रिमोट कंट्रोल एक्सेस होता है, दूसरा ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपने घर में नहीं हैं, आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, तो इसको आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आपकी फैंस के साथ कोई बंदा इसको हाथ लगाता है या उसे छेड़छाड़ करता है तो आपको इवन आपके मोबाइल ऐप के अंदर नोटिफिकेशन अलर्ट आता है, तो आप उससे काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानियों से बचत हो जाती है। फिर इसका एक अलार्म साउंड अलार्म होता है, उसकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो उससे आगे पीछे की जो सिक्योरिटी होती है इलाके की या नेबर्स होते हैं तो वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं। सर, ये सिक्योरिटी सिस्टम बेसिकली कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल किया जा सकता है, या सिर्फ जहाँ पर बंगलोस वगैरह वहीं पर इंस्टॉल कर रहे हैं आप, या इसके अलावा के आम जो सिटीज़ के अंदर जो छोटे मोटे घर हैं वहाँ पर भी ये इंस्टॉल कर सकते हैं? देखें, ये तो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर ना, बट मेरे व्यूज़ के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आप इसको घर में ले लें, आप अपने ऑफिस की किसी ऐसी जगह पे ले लें, बाउंड्री वॉल्स किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको अनसिक्योर फील होता है तो आप इस वायर को अगर अपने घर पे लगाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आपको घर में बाकी एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मेरा घर है, मैंने उस घर के अंदर अभी विंडोज़ के आगे ग्रिल्स नहीं लगाई हुई, सिर्फ उसकी रीज़न ये फैंस है। सर, ये बता दीजिएगा कि आपकी जो ये कंपनी है ये इस वक्त किस नाम से मौजूद है, और ये पूरे पाकिस्तान में है या सिर्फ कराची के अंदर ही आप काम कर रहे हैं? हम लोग जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कह लें झेलम, लाहौर और इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, और कराची के अंदर भी कर रहे हैं। हम लोगों की जो फैसिलिटीज़ है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान है, अगर आप उसमें हम लोगों से कोई भी रहनुमाई लेना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं तो उस चीज़ के अंदर आपको गाइड कर सकते हैं। सर, अब तक आप कितने सिस्टम इंस्टॉल कर चुके हैं, अगर थोड़ा सा ये बता दें? ऑलमोस्ट आप सिर्फ बैरियर टाउन कराची की अगर बात करें तो अराउंड आई थिंक सो अभी तक हम लोग अराउंड 50 के करीब इसमें इंस्टॉल कर चुके हैं, बाकी लाहौर, मलीर कैंट, सिटीज, DHA, लाहौर DHA, इस्लामाबाद DHA, बैरिया टाउन, लाहौर बैरिया टाउन, हर जगह पे हमारा AMS सिक्योरिटी के नाम से जो भी ये सिस्टम सारा इंस्टॉल है। इवन हम लोग गुजरात जितने भी विलेज वगैरह हैं उनके अंदर भी लोगों ने हमें अप्रोच किया और उसके अंदर भी इंस्टॉल किए। सर, कराची के अंदर आपको पता है सिक्योरिटी के इश्यूज कितने हैं?
उम्मीद करते हैं कि आपका जो सिस्टम है ये कामयाब हो। बहुत शुक्रिया सर। इलेक्ट्रिक फैंस के हवाले से मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था और आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फैंस के ज़रिए आप अपने घर को किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल्स आप लोगों के साथ इंटरव्यू की शक्ल में भी मैंने शेयर किया है और उम्मीद करता हूँ आप इस सिक्योरिटी सिस्टम से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इस मुकम्मल सिस्टम को लगाने के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने घर का विजिट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा पूरा सिस्टम जो है वो लगवा सकते हैं, इस आम सिस्टम को कराची के किसी भी कोने में इंस्टॉल करवा सकते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे स्क्रीन पर नंबर दिए हुए आप कॉल करें और इस सिस्टम को ज़रूर लगवाएँ।